तो दोस्तों देखिए, ये निकल आए कड़कनाथ के बच्चे। मुर्गी देसी है लेकिन इसके नीचे जो अंडे थे वो कड़कनाथ के थे। और ये देखिए कड़कनाथ का बच्चा कैसा होता है, ये देखिए बिल्कुल काला। ठीक है, तीन बच्चे निकल चुके हैं। मुर्गी हटा के दिखाता हूँ, ये देखिए तीन बच्चे निकल चुके हैं। ये बिल्कुल अभी निकला है, ये वाला बिल्कुल अभी निकला है। इसका अंडा मैंने अभी हटा दिया, इसका अंडा मैंने हटा दिया छक्कर। ये है, ये वाला बिल्कुल अभी निकला है, ये वाला। और दबा मत, इसको यहाँ रख ले आराम से अंदर ले। ठीक है, तीन बच्चे हैं मैंने आपको दिखाया अभी। और इधर भी एक मुर्गी बैठी है, इसके भी नीचे कड़कनाथ के हैं अंडे, जिसमें एक अंडा मैंने देखा है वो चटक गया है, उसमें भी बच्चा निकल सकता है जो आज। और और ये देखिए छोटी सी चूजी, आपको देखिए ताजुब होगा कि ये कितनी कम उम्र की चूजी है। और ये एक अंडा दे चुकी है और दूसरा अंडा देने के लिए जगह ढूंढ रही है, और अपने अपने लिए ये बहुत ही कंफर्टेबल जगह देख रही है और इसे मिल नहीं रही है। हालांकि बाहर इसका इंतजाम है आंगन में, इसके लिए काफ़ी दरबे रखे हुए हैं जिसमें अंडा दे सकती है, घास भी रखी है, लेकिन नहीं, ये कमरे के अंदर ही भाग रही है क्योंकि बाहर गर्मी ज़्यादा है और मौसम गर्म होने की वजह से कमरे में आ रही है, क्योंकि कमरे में पंखा वगैरह चलता रहता है, कूलर वगैरह चलता रहता है, तो ये ठंडा रहता है। ठीक है, और तो ये, हाँ, ये विंडो से आ जाती है, इस विंडो से सबसे पहले ये यहाँ पे जंप करती है इसके ऊपर, और जंप करने के बाद में फिर नीचे यहाँ आके फिर यहाँ तलाशती है अपने लिए जगह। एक दिन तो इसके अंदर इसने दिया था अंडा, इस बाल्टी के अंदर इंतजाम कर रखा है मैंने, भूसा वगैरह और प्याल डाल रखी है, लेकिन अभी इसके अंदर नहीं जा रही, कोई नई जगह देख रही है। लेकिन कोशिश करते हैं कि ये इसी में ही आ जाए तो बेहतर रहेगा, इसके लिए मैं इसे यहाँ रखूँ ताकि इसे जल्दी दिख जाए। तो दोस्तों आपने आज देखे कड़कनाथ के छोटे से चूजे, और अब ये जब बड़े हो जाएंगे तभी मैं इनकी वीडियो आपको दिखाऊंगा। और आप इन्हें बड़ा होता हुआ देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को